In this case, you have a uniform crate which has a mass of 20 kg. सबसे पहली बात, ये चूंकि uniform crate है तो इसका weight किस point पे act करना चाहिए? Any idea? Center से. So center of gravity पे इसका weight act करना चाहिए. So अगर ये total weight इसकी 0.8 meters है, it means के ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.4 meters के ऊपर act करेगा, isn't it? इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक वेट की लोकेशन क्या होगी? सपोज मैं कहता हूँ दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, तो नीचे से जी तक का डिस्टेंस कितना होगा? वो ऑलरेडी आपको गिवन है 0.2, ठीक है? चलें, सो यू अप्लाई अ फोर्स पी हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 80 न्यूटन टू द क्रेट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एज शोन टू यू द फिगर. डिटरमिन इफ इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. सो दिस क्रेट इज इन इक्विलिब्रियम. क्या ये पी अप्लाई करके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं, ये हमने जो है वो शो करना है. सो द कंडीशन, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस इक्वल टू 0.3. ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम से बिलोंग करता है, सेकेंड सेट से करता है या थर्ड सेट से करता है? जी फर्स्ट सेट से करता है, क्योंकि क्लियर कट हमें नहीं, सेकेंड से नहीं करता, फर्स्ट से. देखिए हमें ये गिवन है कि इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में ही है, इसको अप्लाई करके भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं ये हमने चेक करना है. सो चूंकि स्ट्रिक्टली इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको गिवन है, इट मींस दैट इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट. हाँ, सिर्फ आप ये करेंगे कि फ्रिक्शन को अननोन लेके जब सॉल्व करेंगे उसकी जब वैल्यू आएगी तो आप उसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से एक दफा कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या वाकई आपका सोल्यूशन वैलिड है. अगर वैलिड है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर ज्यादा आ जाती है वैल्यू तो फिर मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. आई होप कि ये पॉइंट हर एक को क्लियर है. यस सर, क्लियर. चलें, सो एन को मैं कहां ड्रॉ कर दूं? जब मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सरफेस रिमूव करूंगा, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको मैं एन सी के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसको मैंने थोड़ा सा ऑफसेट करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ड्रॉ किया है जस्ट टू चेक द टिपिंग इफेक्ट एज वेल. ठीक है, यहां तक क्लियर है रेक को? और कोई फोर्स इसमें आनी चाहिए? सर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आएगी, सो लेट मी रिप्रेजेंट दैट फ्रिक्शन फोर्स एज एफ. लेफ्ट की तरफ ही आएगी फ्रिक्शन, इजंट इट? यस सर. चलें, सो स्टार्टिंग विद द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, चूंकि फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सो हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ एफ की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से एक दफा कंपेयर कर लेंगे. सो टेकिंग पॉजिटिव एक्सिस टुवर्ड्स द राइट एंड अप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, व्हाट आर द फोर्सेज विच यू कैन आइडेंटिफाई एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस? वन इज 80 cos 30 विद अ पॉजिटिव साइन एंड द अदर वन इज फ्रिक्शन फोर्स विद अ नेगेटिव साइन. और कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही. सो वंस यू सॉल्व इट द वैल्यू ऑफ एफ कम्स आउट टू बी 69.3 न्यूटन. इन द सेकेंड स्टेप यू आर गोइंग टू अप्लाई समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो 80 साइन 30 विद अ नेगेटिव साइन. ये आपकी वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगा. इसके अलावा वाई एक्सिस के अलोंग क्या एक्ट कर रहे हैं? कैन यू आइडेंटिफाई इट? सर वेट. सर वेट और नॉर्मल. वेट जो माइनस डब्ल्यू आ गया और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको मैंने प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. सो वंस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कम्स आउट टू बी एन सी इक्वल टू 236.2 न्यूटन. आपके पास एन सी आ गई. ओके, नाउ we need to find out the value of x as well in order to check the tipping effect. So x ki value find hum kis tarah karenge? Agar main is point ko o le leta hu jo ke ye wala point hai, so if I take moments about point o, kaun si forces moment bana rahi hai point o ke about? Weight banayega? Nahi sir, so normal force banayega. Ji, nc banayegi aur p. NC का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O x के बराबर है. ये NC क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगी या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? सर काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी. ओके, फ्रिक्शन फोर्स बनाएगी मोमेंट अबाउट पॉइंट O? नहीं सर,
अप्लाइड फोर्स बनाएगी मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ. यस सर. चलिए अप्लाइड फोर्स का अगर मैं कॉस कंपोनेंट का बात करूं 80 कॉस 30, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट ओ से? सर 0.4. 80 कॉस 30 का. ठीक है सर 0.2 का. 0.2 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज. नेगेटिव साइन आ गया. इसी तरह 80 साइन 30 की अगर मैं बात करूं विच इज द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4 है और ये भी क्लॉकवाइज बनाएगी काउंटर क्लॉकवाइज? सर ये काउंटर क्लॉकवाइज है. काउंटर कैसे बनाएगी? आपके पास ये दो कंपोनेंट नहीं बन रहे, तो वाई कंपोनेंट पॉइंट ओ के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज सही कह रहे हैं, पॉजिटिव साइन के साथ आएगी. ठीक है. एनी अदर फोर्स जो आप समझते हो इस इक्वेशन में आनी चाहिए? सर नॉर्मल फोर्स नहीं आएगी. नॉर्मल फोर्स तो आ गई ना सबसे पहली टर्म क्या है एनसी एक्स. ओके सो वंस यू सॉल्व इट द ओनली अननोन थिंग हियर इज एक्स. सो वंस यू सॉल्व इट द वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी 0.00908 मीटर. सिंस दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन ए बाई टू जो यहाँ कितना है 0.4 मीटर है, इट मीन्स कि क्या टिपिंग होगी या स्लाइडिंग होगी? सर स्लाइडिंग होगी, टिपिंग नहीं होगी. सर स्लाइडिंग होगी. स्लाइडिंग होगी या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन टिपिंग तो नहीं होगी इसका मतलब है. यस सर. ठीक है. यस सर टिपिंग नहीं होगी. स्लाइडिंग होगी या नहीं वो हम कैसे चेक करें? इस एफ की वैल्यू को हम कंपेयर कर दें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती है? म्यू एस टाइम्स एन सी. सो म्यू एस आपको गिवन है 0.3, एन सी आपने फाइंड आउट कर लिया 236.2. सो वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड एन सी द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम्स आउट टू बी 70.86 न्यूटन. सो एफ इज बेसिकली सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन लेस देन और इक्वल टू एफ एस. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस सर हो रही है. So the body would remains in equilibrium after application of this load of 80 newton. However, in dono values mein main difference dekhu 69.3 70.86. It means ke it is very close to sliding ya slipping. Theek hai. Any further increase in the value of P would result in the slipping of this particular ब्लॉक. यानी वैल्यूज बहुत क्लोज हैं, आप 80 से हो सकता है 85 करके चेक करें तो प्रोबेबली आपकी इक्विलिब्रियम शायद मेंटेन ना रहे. आई होप के दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सर अगर लेस देन होता है तो फिर स्लाइड होता है? लेस देन होता है तो इट मींस कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. इफ दिस वैल्यू ऑफ एफ व्हिच यू हैव डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज लेस देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट मींस कि अभी तक की बॉडी इक्विलिब्रियम में है. ओके सर. तो स्लाइड का पता चलेगा? स्लाइड सपोज आप की ये वैल्यू एफ आप फाइंड करते हो और एफ की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाती 70.86 से, तो इस सूरत में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना रहता और ये बॉडी जो है वो स्लाइडिंग कर जाती. ओके ओके सर. देखिए ये वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जो के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए चाहिए. अगर इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है आपकी फ्रिक्शन तो इट मींस के इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा. सो एनी अदर क्यूरी, एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या आज के लेक्चर के हवाले से कोई चीज आप पूछना चाहेंगे?